एसएमआर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए दोस्तों। ये देखो सैमसंग J200, तो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। जब भी मैं बैटरी इसमें डालता हूँ तो यहाँ कोई तो सेक्शन है वो गर्म हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन सा वाला पार्ट गर्म होता है। तो इसके लिए मेरे को ये ओपन करना पड़ेगा और जो गर्म होना वाला पार्ट है मैं उसे चेंज कर दूँगा। तो फिलहाल जब भी मैं बैटरी डालता हूँ उसमें तो ये देखो, जब भी मैं बैटरी डालता हूँ तो यहाँ थोड़ा गर्म होता है। इसके लिए मेरे को यहाँ थोड़ा फ्लक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा फ्लक्स लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ गर्म होता है, जो गर्म होने वाला जो पार्ट है मैं उसे चेंज कर दूंगा। तो अभी मैं फिलहाल बैटरी उसमें ये देखो ये वाला एसी गर्म होता है, तो ये वाला मेरे को एसी चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जब भी मैं बैटरी इसमें ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसे मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं देखते। मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, उसमें का मैं ये आईसी निकाल के उसमें ज्वाइन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसे मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला जो आईसी है इसे रिमूव करना पड़ेगा पहले। तो इसे हम पहले निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाला हमारा पार्ट था वो गर्म हो रहा था। तो इसे हम रिमूव करके चेक करेंगे कि ये वाला, इसे अभी मैं वो आईसी निकाल के, मेरे पास अभी नया वाला आईसी नहीं है तो मैं स्क्रैप बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ देखो ये वाला मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसे आपको थोड़ा अच्छी तरह से रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ थोड़ा क्लीन करता हूँ। यहाँ से मैंने ये जो स्टील का था उसे निकाला है ताकि पूरी तरह से इसे क्लीन कर दूँ। मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था तो ये प्रॉब्लम दोस्तों शॉर्ट होने के कारण आया था। अभी चेक करते हैं कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व है, ठीक है। पहले दोस्तों क्या हो रहा था, मैं जब भी बैटरी यहाँ ज्वाइन करता तो यहाँ से, ठीक है, तो पहले गर्म हो रहा था, अभी देखो गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा डेड वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं दोस्तों।
ये देखो, जो डेढ़ वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। यहाँ गर्म हो रहा था, गर्म अभी गर्म नहीं हो रहा है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था इस आईसी में था, तो इसके वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, थोड़ा गर्म होने के कारण तो आईसी शॉर्ट हुआ था। तो अभी देखो फुल मोबाइल ऑन हुआ। तो अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो लाता हूँ मैं रिपेयरिंग के बारे में, नए नए। ठीक है।